हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको अपने कंप्यूटर पे मोंगो डीबी जो है वो कैसे डाउनलोड करना है। और ये जो हम लोग मोंगो डीबी डाउनलोड करें बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है 2019 वाला। तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाके मोंगो डीबी लिखना है, एंटर दबाना है। और ये जो है आपका एक नो एसक्यूएल डेटाबेस है और इसका जो ट्यूटोरियल का जो प्लेलिस्ट है वो मेरे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो सबसे पहले आपको जो वेबसाइट का दिखाई दे रहा है mongodb.com, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट्स पे जाना है और इसके अंदर आपको जो है मोंगो डीबी सर्वर दिखाई देगा, आपको इसके ऊपर अंदर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड द लेटेस्ट रिलीज करके दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर से जो है आपको सर्वर पे यहाँ पे क्लिक करना है और मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर जो है वो आपको डाउनलोड करना होगा। तो वर्जन हम लोग यहाँ पे लेटेस्ट वाला डाउनलोड करेंगे, ये वाला जो है, और ये डेवलपमेंट रिलीज जो है ये आपको डाउनलोड नहीं करना है। और चाहे तो आप पुराने वर्जन भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग ये करंट वाला करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है 64 बिट का है मेरा, तो मैं उसको वही सेलेक्ट करूंगा। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का बिट वर्जन पता करने के लिए ये जो दिस पीसी करके जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो 64 बिट का है। अगर आप विंडोज 7 का यूज कर रहे हैं तो उस केस में कंप्यूटर या माई कंप्यूटर ऐसा कुछ लिखा रहेगा, उस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज पे आपको जाना होगा। यहाँ पर जो पैकेज है वो हम लोग MSI पे रहने देंगे, माइक्रोसॉफ्ट इंस्टॉलर से कहते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका जो डाउनलोड है वो थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मैं इसे पहले ही डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक कर देता हूँ। इंटरनेट से आपने जिस भी फोल्डर के अंदर मोंगो डीबी का सेटअप डाउनलोड किया, आपको उस फोल्डर के अंदर जाना है। मोंगो डीबी के सेटअप के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इंस्टॉल पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है आपका मोंगो डीबी का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने वेलकम वाला सबसे पहले विंडो बन के आएगा, इसमें आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर आपके सामने लाइसेंस एग्रीमेंट आएगा, इसमें आपको आई एक्सेप्ट पर जो है टिक मार्क लगाना है, फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप कंप्लीट इंस्टॉल करना चाहते हैं या कस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। तो हम लोग कंप्लीट पे क्लिक करेंगे। कस्टम पे क्लिक करने से क्या होता है कि कुछ चीजें आप चाहे तो मोंगो डीबी के सेटअप में ना इंस्टॉल करें और बाकी चीजें कर सकते हैं। तो हम लोग कंप्लीट पे करेंगे। कंप्लीट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्विस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, तो उसमें जो कुछ भी है वही आपको रहने देना है। और फिर हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप ये जो है इंस्टॉल मोंगो डीबी कंपस करके जो एक ऑप्शन आएगा, तो हम लोग इसे जो इंस्टॉल नहीं करेंगे। तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो आपको टिक मार्क दिखाई देगा कि इंस्टॉल मोंगो डीबी कंपस करके, इसमें से टिक मार्क आपको हटा देना है। ये जो कंपस करके जो चीज है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि MySQL के साथ PHP माई एडमिन होता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि मोंगो डीबी में अगर हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेशन टूल चाहिए तो उसके लिए हम लोग Robot3T का यूज करेंगे, मोंगो डीबी कंपस का यूज नहीं करेंगे। क्योंकि ये जो है ये मेरे कंप्यूटर पर जो इसका सेटअप जो है फंस जाता है, इसीलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाए तो आप एक बार टिक मार्क लगा के इंस्टॉल करके ट्राई करके देख लीजिएगा। तो मैं जो यहाँ पे टिक मार्क हटा दूंगा, उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, फिर आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो ये कंप्लीटेड करके जो विंडो आएगा इसमें आपको फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब हम लोग देखेंगे कि आपको मोंगो डीबी को जो है अपने सिस्टम के पाथ वेरिएबल में कैसे सेट करना है। और ये हम लोग इसलिए करते हैं जिससे कि हम लोग मोंगो डीबी को जो है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एक्सेस कर सकें। और केवल यहीं पर नहीं, जब आपने जावा में भी पाथ सेट किया होगा या फिर आपने पाइथन में किया होगा, नोड जेएस में किया होगा, तो उसका भी रीजन यही था कि कमांड प्रॉम्प्ट जो हम इस चीज को एक्सेस कर सके। तो ये करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर पे उस लोकेशन पे जाना है जहां पर आपने मोंगो डीबी को इंस्टॉल किया, जो कि बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होता है। तुम लोग सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाएंगे, एम दबाएंगे, देखिए मोंगो डीबी का फोल्डर मौजूद है। इसके अंदर जाएंगे, सर्वर में जाना है, वर्जन नंबर जो है 4.0 उसके अंदर जाना है, बिन में जाना है, बिन का मतलब बाइनरी। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ जाना है, एड्रेस बार में राइट क्लिक करना है, कॉपी एड्रेस करना है। उसके बाद आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दिस पीसी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पर जाना है। उसके बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एडवांस सिस्टम सेटिंग पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एडवांस टैब पर नीचे की तरफ एनवायरमेंट वेरिएबल्स पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पाथ करके एक वेरिएबल दिखाई देगा, हो सकता है आपके कंप्यूटर में पाथ वाला वेरिएबल मौजूद ना हो, तो उस केस में आप न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल का नाम पाथ लिखेंगे, वेरिएबल की जो वैल्यू है उसे आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे CTRL और V दबा के। और ये क्या, ये आपके मोंगो डीबी का जो बिन वाला फोल्डर है उसका एड्रेस है।
उसके बाद आपको सेमी कॉलन लगा देना, ओके पे क्लिक कर देना। ये करने से जो है आपका मोंगो डीबी का पाथ जो है वो सेट हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि आपका पाथ वाला जो वेरिएबल है वो पहले से ही मौजूद हो, तो आप उस केस में पाथ वाला वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, इसी तरीके से आपका विंडो बन के आएगा। वहां पे आपको जो एड्रेस पहले से लिखे हुए होंगे उनके एकदम एंड में जाके सेमी कॉलन आपको लगाना होगा। हो सकता है कि ना लगा हो, और अगर लगा है तो बस आपको एक ही बार जो है सेमी कॉलन इस तरीके से लगे रहने देना है। जो एड्रेस आपने कॉपी किया था CTRL प्लस V दबा के उसे पेस्ट कर दीजिए। तो मेरे केस में तो पाथ वेरिएबल पहले से बना है, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ, अपने पाथ वाले वेरिएबल पर जाऊंगा, एडिट पे क्लिक करूंगा। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि अगर आप लोग विंडोज 10 का जो ये लेटेस्ट वर्जन है उसे अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस केस में जो पाथ वाला वेरिएबल की जो वैल्यूज है कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। अगर आप लोग विंडोज 7 यूज कर रहे हैं तो उसमें जो पाथ वेरिएबल की जो वैल्यू है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था जब हम लोगों ने न्यू पाथ वेरिएबल बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे MongoDB के पाथ वेरिएबल को ऐड करने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे Ctrl+V दबाएंगे, यहाँ पे पाथ वेरिएबल आ जाएगा, एंटर दबाएंगे, पाथ सेट हो गया, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, इसको बंद कर देंगे, इसको भी बंद कर देंगे, MongoDB का पाथ जो है सेट हो चुका है। अब ये चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च पे जाना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करिए, एंटर दबाइए, आपको मोंगो लिखना है, माइनस लगाइए, वर्जन लिखना है, एंटर दबाइए। ये लिखते ही जो है MongoDB आपके कंप्यूटर में कौन सा MongoDB इंस्टॉल है उसका जो वर्जन है, नंबर है, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर आपको MongoDB को रन करना है तो आपको यहाँ पे मोंगो लिखना है, एंटर दबाना है, और ये देखिए आपका MongoDB जो है रन होके आ जाएगा। यहाँ पे अब MongoDB में जो भी आप कमांड को या हमका जो भी क्वेरी को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा show DBs, एंटर दबाया। इससे क्या होता है कि आपके MongoDB में कौन कौन से डेटाबेस मौजूद है उनका नाम जिस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने MongoDB पर क्वेरीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जब आपका काम कंप्लीट हो जाए तो एग्जिट पे क्लिक लिखिए, एंटर दबाइए, एग्जिट हो जाएगा, CLS दबाइए, CLS का मतलब क्लियर स्क्रीन, और जो है आपका सब कुछ काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको MongoDB का पाथ सेटअप करना है, उसे रन करना है। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।